पटना के बगल में एक नया पटना बस रहा है और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जमीन खरीद कर अपने सपनों का घर बना रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं, इधर जो है रेल पहिया की तरफ रोड जाता है, इधर हाजीपुर की तरफ रोड जाता है और थोड़ी दूर पर पटना के लिए रोड कट जाता है और इधर जो है एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है। कौन सा रेलवे स्टेशन? परमानंदपुर रेलवे स्टेशन। परमानंदपुर कितना दूरी है वहाँ से यहाँ का? मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है। और ये कौन सा हाईवे है? NH-19 है। NH-19। और हमारे पीछे जो है शीतल ग्रीन सिटी है मित्रों, यहाँ पर जोर शोर से काम चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जमीन खरीदने वाले लोग आ रहे हैं और पटना से लोग अब निकलकर नए पटना में अपना घर बनाना चाहते हैं। यहाँ जमीन कैसे मिलेगा, जमीन का रेट कैसे होगा, रजिस्ट्री कैसे होगी, जो जमीन लेने की इच्छा रखते हैं लोग, जो जमीन लेना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ पर कैसे जमीन मिलेगा और क्या जमीन जो है वो किस रेट में मिलेगा, इन तमाम चीजों की हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ सेल्स टीम से जो है पंकज और धीरज जी दोनों भाई हैं और ये शीतल ग्रीन सिटी के अंदर जो है पूरा सेल्स का काम देखते हैं। स्वागत है आप दोनों लोगों का। थैंक यू सो मच। आपके जितने दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा प्लॉटिंग चल रहा है जी? बिल्कुल बिल्कुल। कितने हजार स्क्वायर फीट में प्लॉटिंग है? 120 बीघा के प्लॉटिंग है हमारे। 120 बीघा में जी? 120 बीघा के प्लॉट। कितना जमीन अभी तक बेच दिया आप लोग? अभी इसमें जो 120 बीघा में लगभग हम लोग 50% सेल कर दिए हैं, मतलब 60 बीघा जमीन बेच दिए जी। बिल्कुल। इतना लोग खरीदने वाला है जी? बिल्कुल। पटना जो है ये कैसा बसने जा रहा है, नया पटना या ग्रेटर पटना? ये ग्रेटर पटना के अंदर ग्रेटर पटना बसने जा रहा है, एक बेहतर टाउनशिप डेवलप करके दे रहे हैं। हाईवे है ये जस्ट लगभग 10-20 मीटर दूर, 50 मीटर दूर हाईवे है। हाईवे से मुख्य सड़क चौड़ा कितना मिलेगा जी? ये 40 फीट का रोड होगा मेरा। 40 फीट का मेन रोड, चैन रोड होगा और ब्रांच रोड जितना भी होगा सब 25 फीट का होगा। रोड बना कर देंगे? बिल्कुल पक्की करके देंगे। उस लाइट सीवर लगा कर देंगे जी? सीवर लाइन लगा के देंगे, लाइट लगा के देंगे, स्ट्रीट लाइट और 2 पार्क डेवलप करके आउटर बाउंड्री वाल साथ में मेन गेट सिक्योरिटी गार्ड के सुविधाएं साथ ही साथ उसी पैसे में इंक्लूड है जो पैसा हमारा बताया जाएगा। रजिस्ट्री कितने दिन के अंदर होगी? रजिस्ट्री कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, 1 महीने में करा ले, 1 सप्ताह में करा ले, जब चाहे रजिस्ट्री दे सकते हैं हम। आप पूरा कहां तक जमीन है ऐसे थोड़ा इशारे से बता दीजिए। आप देख रहे हैं वो बोर्ड दिख रहा होगा और आगे चल के हम और दिखाएंगे। लगभग 1 किलोमीटर लंबाई होगा यहां से। यहां से 1 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ही जी? ये हम मेन 40 फीट का रोड दे रहे हैं, बाकी जितने हमारे सोसाइटी के रोड हो गए सभी रोड 25 फीट का होगा। लैंडमार्क थोड़ा बताइए, मतलब यहाँ पर क्या कैसे जो है कौन कौन सा लैंडमार्क है, यहाँ से पटना कितना दूर है क्या है? पटना दीघा यहाँ से 12 किलोमीटर है, मरीन ड्राइव 10 किलोमीटर है। पटना स्टेशन की बात करें तो पटना जंक्शन 20 किलोमीटर है, गांधी मैदान भी 20 किलोमीटर है। पूरे बिहार से कहीं से भी लोग यहाँ जमीन ले सकते जी? पूरे बिहार से कहे तो कहे, लेकिन भारत के अदर भी स्टेट से लोग आकर जमीन ले रहे हैं, जैसे कि यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, ये सभी जगह से लोग आकर जमीन यहाँ पे ले रहे हैं। हम लोग रजिस्ट्री उन लोगों को दिया है। पंकज और धीरज जी से हम जानेंगे कि इनकी जमीनें कहाँ तक हैं और कितने स्क्वायर फीट में ये लोग जमीनें बेच रहे हैं, कितने 100 रुपया, कितने 1000 रुपया स्क्वायर फीट और कितना लोग जमीन यहाँ पर कितनी मात्रा में ले सकता है। देखिए एक बार इधर से व्यू दिखाइए, अभी सूर्यास्त हो रहा है, शाम का समय है और गजब का नजारा है। मतलब ये जो छोर हो गया ये पश्चिमी छोर हो गया, ये पूर्वी छोर है, पूरा पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण छोर, और ये आपने प्लॉटिंग पूरा कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा प्लॉट दिखाइए जो है, जो बिका हो और जो नहीं बिका हो वो भी प्लॉट को दिखाने का काम कीजिए। आप लोगों का प्लॉट कहां से शुरू होता है? ये है क्या? बस यही से शुरू होता है, यही से शुरू होता है। ये कनेक्टिंग रोड रहेगा, 40 फीट का कनेक्टिंग रोड रहेगा। बिल्कुल। और यहां से कंपनी का हमारा कमर्शियल एरिया हो गया और यहां से आगे कमर्शियल तौर पर, कमर्शियल तौर पर मतलब कोई दुकान दौरी खोलने के लिए यहां पर ले सकता है कंपनी, यहां पे खुद के अपने बिजनेस के लिए यहां पे शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ा मार्केट बनाएगी जी। ये सब कंपनी बनाकर देगी? जी कंपनी बनाएगी, मतलब सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए, मतलब दुकान, कंपनी, शॉपिंग मॉल ये सब बना कर देगी जी। बिल्कुल। मैंने कहा ना कि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को जमीन ही उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, एक सोसाइटी डेवलप करके दे रहे हैं। जिस सोसाइटी में देखा जाए तो हम 40 फीट का रोड, 25 फीट का रोड, जो पक्की सड़क करके दे रहे हैं, स्ट्रीट लाइट, बिजली का पोल, तार, खंभा, ड्रेनेज सिस्टम, पार्क डेवलपमेंट करके, उसके साथ में हम चारों तरफ से बाउंड्री सिक्योरिटी गार्ड, यानी सिर्फ जमीन नहीं दे रहे हैं, जमीन के साथ में एक सोसाइटी डेवलप करके मार्केट कॉम्प्लेक्स, ये सारा व्यवस्थाएं करके दे रहे हैं। अब चलिए मेन बात हम करते हैं अब रेट की,
क्योंकि लोग इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, उनको पता नहीं है कि अभी यहाँ पर जमीन क्या रेट मिलेगा। क्योंकि जब पटना और नए पटना और ग्रेटर पटना का जिक्र होता है तो लोगों को लगता है 2500 रुपए स्क्वायर फीट जमीन मिलेगी, 3000 रुपए स्क्वायर फीट मिलेगी, 4000 रुपए स्क्वायर फीट मिलेगी। और हाईवे से जस्ट लगी हुई ये जमीनें हैं, तो मैं ये जानूंगा धीरज जी कि यहाँ पर आप लोग कितने रुपए स्क्वायर फीट जमीन बेच रहे हैं? मात्र 1250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट प्लॉट दे रहे हैं। ये सबसे सस्ता है आपका? सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता 1250 रुपया पर स्क्वायर फीट। जी 1250 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना स्क्वायर फीट का प्लॉटिंग किए हुए हैं? सबसे छोटा प्लॉट हमारा है यानी कि 7,50,000 रुपया का, यानी कि 600 स्क्वायर फीट। 600 स्क्वायर फीट यहाँ प्लॉटिंग का जमीन मिल सकता है? जी 600 स्क्वायर फीट प्लॉटिंग का जमीन मिल सकता है 1250 रुपए के हिसाब। 1250 रुपए के हिसाब तो 600 स्क्वायर फीट में घर बन जाएगा? जी बिल्कुल, 600 स्क्वायर फीट में बढ़िया से 2 BHK चौड़ाई क्या होगा उसका? 20 चौड़ाई होगा और 30 लंबाई होगा। 20x30 है जी? 20x30 होगा। 650 स्क्वायर फीट? नहीं, 600 स्क्वायर फीट 1250 रुपए। 1250 रुपए। अब ये चलिए 600 के ऊपर बढ़ते हैं, और कौन सा? 1200 स्क्वायर फीट है उसका लंबाई चौड़ाई 30x40 का है। फिर 1800 स्क्वायर फीट जो कि 36x50 में है। 2400 स्क्वायर फीट जो कि 40x60 में, और 4800 स्क्वायर फीट है जिसका 80x60 है या 60x80, चूंकि वो दोनों हमारा कॉर्नर प्लॉट होता है। सेम रेट पर? जी सेम रेट पर, सभी का रेट सेम है 1250। कॉर्नर प्लॉट का रेट ज्यादा रहेगा या सेम रहेगा? नहीं, ओनली 5% PLC है। PLC लगता है 5% कॉर्नर प्लॉट का मेंटेनेंस वगैरह का, जो PLC नगर निगम टाइप को जाता है। जी जी बिल्कुल, रजिस्ट्री के समय। जी सर जी। अच्छा ये बताइए, ये प्लॉट है या सड़क है? नहीं ये तो सड़क है, मेन ये कनेक्टिंग सड़क है, मेन सड़क है? नहीं नहीं, ये हमारा मेन 40 हुआ, मेन सड़क से कनेक्टिंग सड़क है, ब्रांच रोड है 25 फीट का। 25 फीट पर अब इधर लोग जमीन ले सकते हैं, ये तो मान लीजिए कंपनी कॉमर्शियल है, ये प्लॉटिंग हुई है? ये प्लॉटिंग हुई है जी बिल्कुल। ये देख पा रहे होंगे? जी जैसे ये देख पा रहे प्लॉट हो, प्लॉटिंग हो गई बिल्कुल। 4800 स्क्वायर फीट का है। हाँ। जैसे 60 फीट ऐसे है, 80 फीट ऐसे है। हाँ। यानी आप उधर से भी इसका रोड है और इधर से भी रोड है। हाँ। 60x80 का ऐसे हम लोगों को प्लॉट काट के रजिस्ट्री करने के बाद ऐसे हम करके देंगे, इतना बाउंड्री करके देंगे, इतना करके देंगे। मतलब इधर भी दरवाजा खोल सकता है लोग और उधर भी दरवाजा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक कॉर्नर प्लॉट हो गया। कॉर्नर प्लॉट का 5% हम लोग एक्स्ट्रा PLC लेते हैं जो 48 जमीन 1250 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात एक और है कि हम यहाँ पे 100% EMI में भी प्लॉट दे रहे हैं। अच्छा EMI में भी? हाँ, 78 महीना का EMI जो कि बिहार की बाकी कंपनियों के साथ में आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो है विट्टल ग्रेन सिटी के साथ में आप 78 महीना का EMI पे प्लॉट ले सकते हैं। हाँ। जो कि मात्र उसके लिए रेट होगा मात्र 1350 रुपए स्क्वायर फीट। 1350 रुपए के अलावा कोई विदाउट इंटरेस्ट है? विदाउट इंटरेस्ट जी। बिना गारंटी है कि वो सारी चीजें जेन्युइन होगी? बिल्कुल, हम आपको एग्रीमेंट पेपर पे लिख के देंगे, 1000 के स्टाम्प पे टोटल चीजें लिख के देंगे। EMI पूरा होने के बाद जो है रजिस्ट्री होगा या उससे पहले रजिस्ट्री होगा? नहीं, EMI पूरा होने के बाद हम रजिस्ट्री कर देंगे। उसके पहले क्या गारंटी देंगे? उसके पहले हम आपको 1000 के स्टाम्प पेपर पर पूरा सरकारी पेपर पे हम लिख के आपको देंगे। और मान लीजिए कोई जो है 1200 स्क्वायर फीट जमीन खरीदता है और वो सारा पैसा अभी के अभी देता है और कहता है कल रजिस्ट्री ग्रोथ करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ऐसा कई रजिस्ट्रियां हमने किया है। तुरंत रजिस्ट्री कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पैसा तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत पैसा, तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत के तुरंत, तुरंत के तुरंत। जो है अच्छा ये बताइए, पैसा ऐसा भी होता है कि आधा पैसा किसी ने दे दिया है, बाउंड्री करवा ले और इसके बाद फिर रजिस्ट्री करवाए? जी बिल्कुल, ऐसा भी हमारे पास सुविधा है कि अगर वो आधा पैसा देता है, अगर वो चाहता है कि आधा पैसा हम दे दें, हमारा रजिस्ट्री करवा लें। हाँ। तो वैसा हम सुविधाएं रखे हैं कुछ कस्टमर के लिए, वैसा रखे हैं। मान लीजिए 12 लाख की जमीन है। हाँ। 6 लाख दे दिया, इसके बाद 3 महीने का 2-2 लाख का आगे का डेट का चेक दे दिया और बोलता है रजिस्ट्री कर दो, करेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पूरा पैसा लेने के बाद। जेन्युइन जानकारी लेने आए हैं और मुझे जेन्युइन लोग सुनते हैं, इसलिए सारी जानकारी मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ ताकि आपके पास लोग आए तो आपसे और प्रकार का सवाल ना पूछे। समझ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए सर, कहाँ तक इधर थोड़ा दिखा है, बड़ी दूर तक खंभा लगा है ये? लगभग इधर लगा, आगे देखेंगे तो 1 किलोमीटर पड़ेगा और इधर मेरा लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 500 मीटर होगा। 500 मीटर तक जी। इधर भी हम 1 किलोमीटर में जाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि इधर भी हमारे पास में स्कोप है। हाँ। 1 किलोमीटर जाने वाले हैं क्योंकि एक हम सेकंड रोड वहां से निकाल रहे हैं। हाँ। उस रोड से हम 1 किलोमीटर तक और इधर जाएंगे। पटना से और यहाँ के जमीन के बीच में रेट का क्या डिफरेंस है? बहुत, और यहाँ का बहुत। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूँ कि हमारा
4500 स्क्वायर फीट का जमीन है, यानी कहने का मतलब है कि छपड़ा के हिसाब से, सारण के हिसाब से 3 कट्ठा और पटना के हिसाब से लगभग 3.5 कट्ठा ये जमीन हो गया, जो कि मात्र हम आपको 60 से 63 लाख रुपए में पीएलसी लेके लगभग 63 लाख रुपए में जमीन दे रहे हैं 3 कट्ठा के आसपास। लेकिन वहीं पटना में आप जाते हैं और इतनी जमीन लेते हैं, 1 कट्ठा जमीन 60 लाख रुपए में होगा। रजिस्ट्री करने की बात है तो हम यहाँ पे 2 पार्ट में करके दे रहे हैं, फेज 1 फेज 2, यानी हम एक रजिस्ट्री फेज रखे हुए हैं, एक ईएमआई फेज रखे हुए हैं। जो हमारा रजिस्ट्री फेज में है, जो लोग हमारे साथ में रजिस्ट्री में आ रहे हैं उनको रजिस्ट्री करते जा रहे हैं, जो ईएमआई में आ रहे हैं उनको हम ईएमआई पे दे रहे हैं। और सबसे बड़ी ईएमआई का सबसे बड़ी बात क्या है कि 600 स्क्वायर फीट का बुकिंग करने के लिए मात्र 16,000 रुपया दीजिए और प्लॉट बुक कर लीजिए। ये बताइए निर्माण कार्य कब से शुरू हो जाएगा इस एरिया में, जो लोग जमीन खरीद ले निर्माण कब से करवाएंगे? जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट 4 साल का है, हम 4 साल में जितने सारे सुविधाएं हमने बताए हैं शुरू में, उतने सारे सुविधाएं हम 4 साल के अंदर में करके देंगे। लेकिन उससे पहले अगर कोई घर बनाना चाहते हैं, उनके तक अगर हम रोड और बिजली पहुंचा दिए हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि 2 चीजें तो जरूरी है ना घर बनाने के लिए, रोड और बिजली पानी। तो पानी तो आप नीचे खोद के निकाल सकते हैं, लेकिन रोड और आपको बिजली पहुंचना जरूरी है, रोड निर्माण आपको घर निर्माण, इसीलिए हम आगे से डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। आपके जिनके रजिस्ट्री हो गया है और जो चाहे वो अपना घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी देने के लिए। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। आइए देखिए, जांचिए परखिए, समझिए, भाई लोग से मिलिए, बात कीजिए, इनका नंबर हम लोग दे देते हैं, अगर आप भी इच्छुक है तो अपनी इच्छा जताइए और इनसे जमीन लीजिए और अपना सपनों का अच्छा बढ़िया सुंदर सा घर बनाइए। थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।